सो फ्रेंड, आप लोग भी सैमसंग FRP बाईपास करने के लिए काफ़ी जो है तिकड़म लगा रहे होंगे और काफ़ी सारे जो है ट्रिक यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे सोल्यूशन बताऊंगा ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे किया जाता है और आप लोग घर बैठे भी कर सकते हैं, क्योंकि सैमसंग का जो है पैच वर्जन सॉफ्टवेयर काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, महीने महीने भर में चेंज हो जाता है और अपग्रेड होने के बाद आपका जो है लॉक खोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से सोल्यूशन बताऊंगा, आप लोग उस ट्रिक को यूज़ करके FRP रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे सैमसंग FRP के ऊपर वीडियो मैंने लाए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख के कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उनका जो है अपग्रेड वर्जन होने के बाद जो है आप उस ट्रिक को फॉलो करते नहीं खुलता, लेकिन जो है आप लोग को कुछ जो है ओल्ड वर्जन के जो पैच वर्जन सॉफ्टवेयर है उसे आप लोग को मैच करके खोलेंगे तो खुल जाएगा। आपको जो है हार्ड रिसेट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर जो है पैच वर्जन जो है उसे में पता चल जाता है, जब हार्ड रिसेट करते हैं तो वहाँ पर इस तरह का जो है मैसेज आता है, तो उसमें देख के आप लोग जो सैमसंग FRP बाईपास कर सकते हैं। और FRP बाईपास करने वाला सैमसंग इजी FRP वाला टूल है, उससे भी आप FRP बाईपास कर सकते हैं। बहुत सारे जो है फ़ोन में जो है सिम लगा के जो है निकालने वाला ऑप्शन रहता था, उस तरह से आप लोग अपना जो है PUK लगा के आप लोग जो है पिन लगा के उसमें डाल देते थे और ऑप्शन आ जाता था बाईपास करने का, यूट्यूब ऑप्शन आ जाता था डायरेक्ट, तो उस तरह से कर सकते थे। और बहुत सारे फ़ोन में अब जो है चेंजेस हो रहे हैं और सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने की वजह से नहीं खुल पा रहा है, तो आप लोग को हर एक चीज़ का सलूशन होता है और उससे सलूशन को आप लोग को फॉलो करना है। आप लोग थोड़ा अपना क्रिएटिव माइंड भी यूज़ किया करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ज़रूर बाईपास हो जाता है। तो OTG से भी कर सकते हैं, ब्लूटूथ से भी कर सकते हैं, सिम लॉक लगा के भी कर सकते हैं और PC से भी कर सकते हैं। तो आप लोग को मैंने बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे दिए हैं, तो सैमसंग FRP बाईपास कर भी लेते तो 300-400 आपके कहीं नहीं जाते, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए। और अब मैंने तो काफ़ी अपने शॉप पे ही बहुत सारे फ़ोन को विदाउट PC करके दिखा था, ताकि आप लोग को भी पता चल पाए, बहुत लोगों के पास PC नहीं रहता और वो लोग यूट्यूब पर यही सर्च मारते हैं सैमसंग FRP बाईपास विदाउट PC, तो मुझे पता है क्योंकि मैं भी इस ट्रिक को फॉलो करता था बहुत सारा, जब मैंने PC नहीं रखा था और उस समय मैं जो सॉफ्टवेयर का किसी भी तरह का नॉलेज नहीं था, लेकिन इस लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और जब मैंने 2011 में अपना शॉप डाला था दीपक टेलीकॉम तो मैंने पहले ही खोला था, कम्युनिकेशन वाला मैंने 2017 में खोला, फिर धीरे धीरे मुझे इन चीज़ों का नॉलेज हुआ और उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर बॉक्स खरीदा और हर एक चीज़ें जो है इम्प्रूव की अपने शॉप में, और काफ़ी चीज़ों मैंने सीखने के बाद मैंने भी सोचा कि यूट्यूब चैनल बना के आप लोग को भी, जो लोग मेरे पास पहुँच नहीं पाते उनको भी कुछ गाइड किया जाए और कुछ समझाया जाए बताया जाए, और आप लोग भी जो लोग मेरे शॉप पे तो नहीं पहुंच पाते लेकिन जो है घर बैठे आप लोग मेरे वीडियो देख के फ़ोन को तो अनलॉक कर सकते। काफ़ी सारी वीडियो अनलॉकिंग की डाले हैं और विदाउट PC मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाले हैं, क्योंकि आप लोगों के पास PC नहीं रहता, मुझे पता है मेरे जो है लोकल लोग वीडियो ही देखते होंगे और जो लोग शॉप वाले भी होंगे भाई बंधु वो लोग भी देखते होंगे, तो लेकिन मैंने आप लोग को विदाउट PC करने का तरीका काफ़ी सारा बता के रखा है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपका फ़ोन डेफिनेटली बाईपास हो जाएगा, नहीं होता तो आपको सैमसंग इजी FRP टूल का यूज़ करिए, आप लोग का फ़ोन 100% बाईपास होगा। और बहुत सारे फ़ोन में पैच वर्जन चेंज होने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है क्या करें, और आपका फ़ोन ज़रूर बाईपास होगा। इस वीडियो में आपको पता चल गया सैमसंग के FRP बाईपास विदाउट PC भी कर सकते हैं, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करिए, और चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।